ये हमारे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने ये एक नया जो है वो प्रयत्न किया है, वो भी जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते हैं वो ऑक्शन में ई ऑक्शन के जरिए जो है उससे जो भी एक्सीड्स आते हैं वो सारे के सारे नमामि गंगे में जाते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को भी एज एक्टर्स हमें भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और कभी हमें ये विचार भी नहीं आया कि हम लोग इसको कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके हर एक विचार से कितनी ज़्यादा प्रेरणा हमें मिलती है। तो आई थिंक ये हम सब के लिए एक मौका है कि हम इसमें पूरा हिस्सा लें और देश के किसी काम आए। और बहुत सारे मोमेंट्स और गिफ्ट आपने देखे जी, अपनी अपनी आपने अनुभव भी साझा किए, क्या क्या बातें याद आती हैं या आपको? आई थिंक हमारे लिए तो एक अपने आप में बहुत बड़ी, अगर मैंने दो चीज़ों के लिए ऑप्शन दिया है, एक तो राम जन्मभूमि की जो मिट्टी है वो और राम मंदिर जो है वो, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक तो राम श्री राम के चरणों की मिट्टी और प्रधानमंत्री जी के हाथों से होके हमारे घर में आए, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए और इसलिए मैंने दो चीज़ों की ऑक्शन की है और मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी हिस्सा लें और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है जिसकी सफाई के लिए और मेंटेनेंस के लिए इसके सारे प्रोसीड्स जाएंगे वो आई थिंक इट विल बी वेरी फॉर्चुनेट ऑफ अस। एक सवाल आपसे है, और दूसरा क्या है? राम मंदिर का मॉडल अभी 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 उसका प्रोसेस चल ही रहा है। हाँ जी, ई ऑक्शन जी, ये 12 अक्टूबर तक है इसकी डेट। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में आप इसमें हिस्सा लीजिए और ये जो इतना अच्छा जो एक एंडेवर है प्रधानमंत्री जी का उसको सफल बनाएं। कंगना जी, मेरा सुन, आफ्ताब क्या जमाल देता है, आफ्ताब क्या कमाल देता है, खुद जलता है दूसरों को जमाल देता है। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है तेज पायलट। देखिए हमारे लिए तो एक स्वतंत्रता सेनानी जो है वो मैंने पहले निभाया हुआ है और अब जो है एक सोल्जर की जो है वो एक जीवनी एक तरह से देखने को मिलेगी। और मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि क्योंकि हम ये फिल्म जो है वही प्रोड्यूसर हैं जो उरी के थे और वो सर्जिकल स्ट्राइक सबने बहुत पसंद की थी, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक इसमें भी है एक, वो भी आप सब बहुत पसंद करेंगे जी। जी दोनों के लिए ही हम बहुत उन्हें याद करते हैं और हमारे देश में इतने महान पुरुष हुए हैं तो हमारे लिए सब प्रेरणा के स्रोत हैं। मोदी जी कुल्लू के मेले के लिए, दशहरा के मेले के लिए हिमाचल आ रहे हैं और ये भी लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में भी लड़ेंगे, हिमाचल का चुनाव भी लड़ेंगे और आप बहुत बड़ा स्टार प्रचारक भी होंगे बीजेपी के लिए। देखिए मैं तो उस सबसे पहले तो देखिए जो हमारी हिमाचल है वो देवभूमि है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी किसी देव से कम नहीं है तो वो वहाँ पे जाएंगे तो हमारी जो जन्मभूमि है मातृभूमि है हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आएंगे। और मुझे तो लगता है कि मैं अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ और जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए जो है देश की सेवा में लगे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हों हम उनकी सेवा में तत्पर हैं और मैं पूरी तरह से देशभक्त हूँ और जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं उसके लिए हर तरह का प्रचार करेंगे। राजनीति में तो देशभक्ति की बहुत जरूरत है कन्ना जी, आपका क्या विचार है, क्या धाकड़ की पारी राजनीति में भी खेलेंगी आप? देखिए अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, अभी तो मैं अपनी फिल्म इमरजेंसी की शूट कर ऐसा मुझे राजनीति में रुचि है लेकिन एक कलाकार के तरह एक रुचि है मुझे राजनीति में और मैं एक काफ़ी सफल कलाकार हूँ। मैंने 16 साल की उम्र से इतना स्ट्रगल करके आज ये मुकाम पाया है, अब किसी दूसरे करियर में फिर से शुरू करना उतना तो मुझे लगता नहीं अब मुझ में हिम्मत है, लेकिन राजनीति में जो रुचि है उसके करके अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे राजनीति को लेकर जी। इमरजेंसी जो है एब्सोल्युटली जैसा मैंने कहा कि मेरी जो रुचि है वो एज अ कलाकार मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी और फिर आप मुझे लगता है आप लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कुछ दिन पहले दो दिन पहले राष्ट्रपति मैडम ने नेशनल फिल्म अवार्ड दिया, वहाँ आपका नहीं होना खलल था, आप नेशनल अवार्ड में हमेशा रही,
कमी महसूस हुई आपकी? मेरी कमी कोई बात नहीं, हो सकता है अगले साल पूरी हो जाए। उम्मीद है कि मुझे थलाइवी के लिए एटलीस्ट वो अवार्ड मिले, क्या पता आपकी, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, बट डेफिनेटली आपकी जो है वो कमी पूरी हो सकती है। इमरजेंसी के बारे में कुछ बता पाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के निश्चित तौर पर अलग अलग तरह के जो है सवाल भी उठेंगे। जी जी, और बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, और आई थिंक आज तक कभी भी क्रिएटिव लिबर्टी इतनी किसी को मिल नहीं पाई कि खुल के कोई एक कहानी बता सके। बहुत सारे जो है, बिकॉज आई थिंक करंट गवर्नमेंट जो है वो एक्टर्स को उस तरह का प्रोटेक्शन भी देती है और उस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी देती है कि आप अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने एक फिल्म बनाई तो उनको सिक्योरिटी भी दी गई। तो आई थिंक इस तरह की क्रिएटिव फ्रीडम ही है जो इस देश में मिसिंग थी और जो हमें अब मिल रही है। नहीं तो क्या रीज़न हो सकता है कि इतनी दिग्गज पर्सनैलिटी मिसेस गांधी, इतनी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और इतना बड़ा ये स्कैंडल हुआ था इमरजेंसी का, उनके अच्छे और बुरे हर तरह के पहलू हैं, और किसी ने इसको सिनेमैटिकली, बिकॉज मुझे बहुत ही सिनेमैटिक लगता है वो, हमारे देश का, हमारे पॉलिटिक्स का वो जितना भी एक फेज रहा था, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी बनाने की। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है।